साउंड में लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज कॉल्ड द बीट्स, सही है ना। बीट्स में लास्ट टाइम जो बीट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है एफ बी, ठीक है, प्लस माइनस इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू, ये बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ठीक है ना। इसमें से ये जो एक फ्रीक्वेंसी ये मालूम होती है, ये अननोन होती है। अब फर्स्ट कर लेते हैं दो ट्यूनिंग फॉर्क को आपस में जो है वो मर्ज करवा रहे हैं, दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, ठीक है ना। वही वाला जो एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने किया है पैड पे मार करके जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी के आगे लगाते हैं ट्यूब के आगे, तो उसमें से गूंज साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 256 हर्ट्ज़ भी होती है, 480 भी होती है, 480 हर्ट्ज़, 512 भी होती है। डिफरेंट मटेरियल के होते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, 256, 480, 512। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन है, फर्स्ट कर लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है 256, इसको दूसरे वाले ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जो है वो वाइब्रेट करवाया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहे बताइए कि सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और ये जो बीट्स फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट कर लेते हैं, ये दिया हुआ 4 बीट्स पर सेकंड, क्या दिया हुआ है 4 बीट्स। तो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, सेकंड वाले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होती है इस वाले एमसीक्यूज में। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एफ बी, यानी कि आपके पास ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, और एफ वन आपको गिवन है 256, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का एफ टू। अब आइदर और कर लेंगे, एक मरतबा 256 के साथ 4 प्लस हो जाएगा, एक मरतबा 256 के साथ 4 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो दो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क की। 256 में 4 प्लस करवा देते तो 260 हो जाएगा, तो एक फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 260 हर्ट्ज़। 256 में 4 माइनस करवा दे तो ये 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी 252 हर्ट्ज़। कौन सा वाला, ये देखो प्लस का, ये प्लस का 4 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 256 हो जाएगा, माइनस का 256 प्लस का 4 माइनस का 252, माइनस से माइनस कैंसिल है वो। दूसरे केस में 256 है यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं माइनस का 4, तो प्लस का 256 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 256 और माइनस का 4 माइनस का 260, माइनस से माइनस दोबारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन है, इसके भी एमसीक्यूज जो है वो आपके पास मौजूद होंगे, सही है ना। तो ये एक बात हो गई बीट फ्रीक्वेंसी के हवाले से। आज का जो हमारा साउंड का जो लास्ट पोर्शन जो चल रहा है, ये साउंड वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़रा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। वो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना। थ्योरेटिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्मूले के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉपलर्स इफेक्ट में लिखा हुआ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेटिव चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द लिसनर व्हेन बोथ या व्हेन दे आर रिलेटिव मोशन विद ईच अदर, ठीक है ना। इसमें बात हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी कब, हेड बाय द लिसनर सुनने वाला, ठीक है ना, व्हेन दे आर रिलेटिव मोशन विद ईच अदर। तो इसमें एक होगा स्पीकर, एक क्या होगा स्पीकर बोलने वाला, इसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक होगा लिसनर सुनने वाला। तो दो चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से आप क्या हैं लिसनर है, मैं स्पीकर हूँ, तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, सामने वाले के लिए फ्रीक्वेंसी कुछ और, जो पीछे बैठे होंगे उनके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ और। बात समझ में आ रही है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। फॉर एग्जांपल आप बाहर खड़े हुए हैं, आपके सामने से एम्बुलेंस गुजरती है, तो जब एम्बुलेंस आ रही होगी तो आपको उसकी आवाज़ स्लो आएगी, स्लो होते हो आवाज़ ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और जैसे ही वो आपके पास आएगी उसकी आवाज़ मैक्सिमम होने के बाद जैसे ही वो एम्बुलेंस आपके सामने से दूर जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी में एक अपेरेंट चेंज महसूस करेंगे व्हेन द एम्बुलेंस इज़ मूविंग टूवर्ड्स
यू एंड मूविंग अवे फ्रॉम यू, जब वो आपकी तरफ आती है तो फ्रीक्वेंसी में आप एक तब्दीली महसूस करते हैं, जब वो आपसे दूर जाती है तो भी आप फ्रीक्वेंसी में एक तब्दीली महसूस करते हैं, उसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कह रहे हैं हम, डॉपलर इफेक्ट, द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हेड बाय द लिसनर। तो ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस आपके पास आए, अल्लाह ना करे आए, सही है ना, आप कहीं पर खड़े हुए हैं, सही है, और बहुत आगे जो है वो एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, आप उसकी तरफ चल करके जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप एम्बुलेंस के पास पहुंचेंगे वो साउंड एमिट कर रहा है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ग्रेजुअली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, आवाज़ की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, तो आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ रही है, तो दिस इज़ द डॉपलर इफेक्ट। एम्बुलेंस तक पहुँचने के बाद स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर एम्बुलेंस से जैसे ही आप आगे निकलेंगे स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर भी क्या आ रहा है, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ द डॉपलर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है ना, तो डॉपलर इफेक्ट इज द स्टडी ऑफ रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी हेड बाय द लिसनर व्हेन दे आर रिलेटिव मोशन इन विद ईच अदर। व्हाट इज मीन बाय दे, यहाँ पे दे से मुराद क्या है, एक सोर्स है, यानी कि साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज़ हो, चाहे वो किसी और चीज़ की आवाज़ हो, या स्पीकर, ये दोनों बातें एक ही हैं, और लिसनर सुनने वाला, सुनने वाला हमेशा जो होगा वो इंसान ही होगा, चूँकि वो ऑब्जर्व कर सकता है। अल्लाह ताला ने सुनने की कैपेबिलिटी बहुत सारे जानदारों को दी है, लेकिन उस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, उस पर कैसा अच्छा मानना है, उस पर बुरा मानना है, उस पर नाराज़ होना है, उस पर हंसना है, तो ये हर के पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये इंसान के पास है, ठीक है ना। तो इस तरीके की हम कंडीशन जब पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली हम डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे होते हैं, या डॉपलर इफेक्ट को हम पढ़ रहे होते हैं, सही है ना। तो पहले से हम स्पेशल केसेस के बारे में देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, सही है, एक हमारे पास साउंड इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस इज द एम्बुलेंस, ठीक है ना, विच इज इमिटिंग द साउंड ग्रेजुअली, यहाँ से ये इसके साउंड जो है वो इमिट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इसके पास भी जा सकता है और ये इससे दूर भी जा सकता है। When listener is moving, case number वन, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ केसेस, उसी तरीके से आप दिमाग में बैठाएं इसको, पहले हमेशा listener के बारे में याद रखें। मैंने पहले केस ये लिखा, When listener is moving and source is at rest, ये rest में है और ये मूव कर रहा है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, ये स्पीकर के तरफ भी जा सकता है और स्पीकर से दूर भी जा सकता है। तो हमेशा मैंने केस नंबर ए को कौन से वाले के लिए रखा है, टूवर्ड्स के लिए, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है फार्मूले को मर्ज करके, कभी अलग तरीके से याद रखें, कभी अलग तरीके से याद रखें, तो ये फार्मूला आपका मर्ज हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा। तो आप इसे एक पैटर्न बनाएंगे कि हमेशा टूवर्ड्स वाला पहले याद रखेंगे, अवे वाला बाद में याद रखेंगे, तो एक पैटर्न बन जाएगा, तो याद करना आसान होगा। तो व्हेन लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, अवे द सोर्स, ये हो गया इसका केस नंबर वन, सही है। अब केस नंबर टू में इसको मैं कर देता हूँ रेस में, ये रेस में हो गया, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, ये लिसनर के पास भी जा सकता है और लिसनर से दूर भी जा सकता है। तो पहले टूवर्ड्स, केस नंबर इसका जो टू है, केस नंबर टू, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड द लिसनर इज एट रेस्ट, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, व्हेन सोर्स इज मूविंग, पहले मैंने क्या रखा है टूवर्ड्स वाला, बाद में क्या रखा है अवे, तो करीब भी जा सकता है और दूर भी जा सकता है, सही है। और थर्ड नंबर केस में, एक मरतबा ये मूव कर गया, एक मरतबा ये मूव कर गया, अब ऐसा भी हो सकता है आप भी जा रहे हैं, सामने से एम्बुलेंस भी आ रही है ना, दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं ग्रेजुअली, और दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर भी मूव कर सकती हैं। तो इसको हमने केस नंबर थ्री में रखा है, व्हेन बोथ आर इन मोशन या बोथ आर इन रिलेटिव मोशन, जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ मोशन में हो, सही है। तो इसमें केस नंबर ए है, पहले किसके लिए रखेंगे, मूविंग, व्हेन बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दूसरे में मैंने क्या लिखा रखा भाई, व्हेन बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये आपको पैटर्न बैठाना है अपने दिमाग में, ताकि आपको फार्मूले याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब केस नंबर वन की तरफ वापस, केस नंबर वन, व्हेन लिसनर इज मूविंग एंड सोर्स इज एट रेस्ट, लिसनर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट की हालत में, दो पॉसिबिलिटी होगी, लिसनर टूवर्ड द सोर्स भी जा सकता है, लिसनर अवे द सोर्स भी जा सकता है, सही है।
जब टूवर्ड्स होगा, जब कोई चीज़ करीब आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। और वी का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स। जो मल्टीप्लाई होते हैं उसका रिलेशन इनवर्स। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। बात समझ में आई है? तो ये भी एक एमसीक्यूज बन गया कि अगर कोई चीज़ या स्पीकर अगर ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, अगर लिसनर के करीब आ रहा है तो आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। किसी का घर मस्जिद से करीब है उसको आवाज़ क्या आएगी, तेज़। किसी का घर मस्जिद से दूर है उसको आवाज़ क्या आएगी, स्लो। तो इसका मतलब करीब वाले के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और दूर वाले के लिए वेवलेंथ ज़्यादा। करीब वाले के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। दूर वाले के लिए वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। बात समझ में आ रही है ना? ये तो इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। देन व्हाट शुड बी द फार्मूला फॉर द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, व्हेन द लिसनर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। जब एक लिसनर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली जो होगी उसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला भी याद रखेंगे, वी प्लस वी नॉट ओवर वी इन टू एफ। वी प्लस वी नॉट, वी व्हाट इज वी, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड एट एस टी पी। एस टी पी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड बताया जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। कहीं पे 336 भी होता है, कहीं पे 340 मीटर पर सेकंड भी होता है। चूंकि इसकी रेंज होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड इन द एयर दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। एज द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर दैट इज वाई सम टाइम वी टेक 336 मीटर पर सेकंड, सम टाइम वी टेक 338 मीटर पर सेकंड एंड सम टाइम वी टेक 340 मीटर पर सेकंड। द रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड लाइज बिटवीन द 332 टू 340 मीटर पर सेकंड। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सही है ना? और यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो स्पीड कम। एक फार्मूला भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना हो किसी भी टेम्परेचर पे, उसको तो उसका फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू 332 अंडर रूट टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइडेड बाई 273। दिस इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। अगर किसी भी टेम्परेचर पे आपसे स्पीड ऑफ साउंड पूछ लें, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर पर सेकेंड, आप बताइए 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना स्पीड होगा साउंड का एयर के अंदर। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, फॉर्मूले में क्या है, केल्विन। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करवा दो। तो 273 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 278। तो 278 डिवाइड बाई 273 रूट मल्टीप्लाई बाई 332, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। बात क्लियर रही है? तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, सही है? अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअली में यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे वी के बारे में बताया मैंने कि व्हाट इज वी, वी इज ऑलवेज द स्पीड ऑफ साउंड। आपका अगर ये वेरिएबल ये फार्मूला लिख रहे तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि आखिर वी की जगह क्या पुट होगा, वी नॉट की जगह क्या पुट होगा, एफ की जगह क्या पुट होगा, सही है ना? एफ बार, यहाँ पे एफ बार का फार्मूला, व्हाट इज एफ बार, एफ बार इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ द लिसनर टुवर्ड द सोर्स। फ्रीक्वेंसी में जो तब्दीली हो रही है वो फ्रीक्वेंसी है ये जिसमें तब्दीली आ रही है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से वो जो आपका एम्बुलेंस है या जो स्पीकर है आवाज़ निकाल रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये। जब वो करीब आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको चेंज महसूस होगी, तो ये अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज वी नॉट, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑब्जर्वर यानी कि आपकी स्पीड है, आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं ये उसकी स्पीड है। अगर आप एक एम्बुलेंस की तरफ चल करके जा रहे हैं तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, आपकी स्पीड क्या है, आप यहाँ पे अपनी स्पीड पुट करेंगे, वो सवाल में मेंशन होगा। दोबारा नीचे क्या है, वी, तो व्हाट इज़ वी, स्पीड ऑफ साउंड, सही है ना? इसी तरीके से इस फॉर्मूले में आ जाओ ज़रा, ये भी देख लो, वी पढ़ चुके हैं, ये वी पढ़ चुके हैं, वी एस, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी कि स्पीकर, तो वो किस स्पीड से आ रहा है, तो एस के माने स्पीकर है, ओ के माने ऑब्जर्वर यानी कि लिसनर है। इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ वी स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे बताए ना, सिर्फ वी स्पीड ऑफ साउंड। बात ये ले रही है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। इसका पार्ट बी,
व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, ये वाला फार्मूला याद कर लिया, इस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा बस, वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ, तो दूसरे वाले में क्या लगेगा, वी माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज। बात समझ में आ गई ना ये, तो ये केस नंबर वन है जिसमें लिसनर मूव कर रहा है सोर्स रेस की हालत में। एक मरतबा लिसनर जा रहा है सोर्स की तरफ, दूसरे पार्ट में लिसनर जो है वो अवे जा रहा है सोर्स से, ये बात क्लियर। उसके बाद जी, दिस इज द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विच इज गोइंग टू हेयर्ड बाय द लिसनर, ठीक है ना। आप एम्बुलेंस की तरफ जा रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई महसूस होते जा रही है बार बार, हर कदम में हर स्टेप के बाद फ्रीक्वेंसी में एक ग्रेजुअली चेंज नज़र आ रहा है, तो दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, सही है। अगर आप एक जगह खड़े हो जाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक जगह रेस की हालत में, तो आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम भी रेस में और आप भी रेस की हालत में। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट टू है इसका, केस नंबर पार्ट टू है, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट। अगर सोर्स क्या कर रहा हो, अभी वहाँ पे लिसनर क्या कर रहा था, मूव, अब कौन मूव कर रहा है, सोर्स। ऐसी कंडीशन, इसको हम की पॉइंट्स पे याद रखते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे मार्क्स ज़्यादा लेते हैं उनकी अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है, तो जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग चलाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स होंगे, सही है। बाकी जो बता सकता हूँ मैं, जो आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि की पॉइंट बनाए, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं है कि डॉपलर इफेक्ट के बारे में जो है ना आप डेरिवेशन स्टार्ट कर दें, या डॉपलर इफेक्ट के बारे में जो है ना आप एक ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें या एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दें। इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, सही है। तो केस नंबर टू में क्या लिखा हुआ, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड लिसनर इज एट रेस्ट, जब सोर्स मूव कर रहा हो और लिसनर जो है वो रेस्ट की हालत में हो। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हर पार्ट में तीन पार्ट हैं, हर पार्ट में दो केसेज हैं, और पहला केस हमेशा टूवर्ड्स वाला होगा, सही है। व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर, टूवर्ड्स जब भी होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अवे जब भी होगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, सही है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये बनता है, वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। क्या फार्मूला है इसका, वी ओवर, डेरिवेशन करके देखेंगे, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये फार्मूला है बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लें, एफ बार इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। दिस इज द फार्मूला ऑफ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कब, व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। एक टूवर्ड्स वाला याद कर लिया, अवे वाला खुद दिमाग में रहेगा, बस नीचे प्लस हो जाएगा, साइन अपोजिट, सही है ना। ये वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ, तो ये हो जाएगा वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ। इसमें फ्रीक्वेंसी अवे है, जब चीज़ दूर जाएगी तो उसको आवाज़ कम होते 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 एक दो पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे आवाज़ क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, जैसे बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसके बाद हम तक नहीं आ रही, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो आपको आवाज़ आ रही होगी, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बार इज इक्वल टू वी प्लस वी एस इंटू एफ, इसी का बस प्लस की जगह माइनस, या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, इसमें बॉडी अवे जा रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज। जो चीज़ दूर होगी उसका वेवलेंथ ज़्यादा, जो चीज़ करीब होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, है ना। उसके बाद हमारे पास केस नंबर थ्री है, केस नंबर थ्री, व्हेन बोथ आर इन मोशन, व्हाट इज बोथ, यानी कि स्पीकर एंड लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला। अब बोलने वाला और सुनने वाला कुछ भी हो सकता है, और ये बात आप याद रखेंगे, डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता, लाइट के ऊपर भी अप्लाई होता है। आपने कॉसो कज़ा के कलर देखे हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर का पैटर्न देखा है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड विप ग्योर, है ना। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट की। सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब लाइट वेव पे डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है, साउंड वेव के ऊपर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। इसमें भी दो केसेस हैं, व्हेन लिसनर एंड सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, व्हेन लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सही है। इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इसमें फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ और इसमें वेवलेंथ। ये अगर दो केस याद है तो इसका फॉर्मूला केस नंबर वन का ए ये है, केस नंबर टू का ए
ये है। अभी दोनों फार्मूले के देखो, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला फार्मूला। अगर आपको केस नंबर वन और टू याद है, उनके दोनों केसेस, तो केस नंबर थ्री का ए और थ्री का बी, केस नंबर वन का ए, केस नंबर टू का ए कंबाइंड करके केस नंबर थ्री का ए, केस नंबर टू का बी, वन का बी और केस नंबर टू का बी कंबाइंड करके केस नंबर थ्री का बी बनता है, सही है। अब यहाँ पे क्या, केस नंबर वन का ए वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ, यहाँ पे क्या वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू, अगर इस दोनों को हम मर्ज करेंगे कंबाइंड करेंगे तो ये वाला वी और ये वाला वी हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा वी प्लस वी नॉट, तो ये आ गया वी प्लस वी नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा वी माइनस वी एस, तो यहाँ पे आ गया वी माइनस वी एस इंटू एफ बार एफ, यहाँ पे देखो एफ डबल बार है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दो मरतबा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्यों, चूँकि आप भी मूव कर रहे हैं और सोर्स भी मूव कर रहा है, जब आप मूव होंगे तो एक मरतबा फ्रीक्वेंसी चेंज, जब सोर्स भी मूव होगा तो दूसरी मरतबा फ्रीक्वेंसी चेंज, तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज ज़्यादा आती है एफ डबल बार, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज ज़्यादा किस में आएगा, तो भाई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा तेज़ी से करीब आएगा और आप उसके पास जितना ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो यहाँ पे डबल मोशन है, आप भी मूव कर रहे हैं और जो आपका सोर्स है वो भी मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में डबल चेंज महसूस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एफ डबल बार, सही है। ये हो गया वी प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ, केस नंबर वन का ए मिल गया, केस नंबर टू का ए मिल गया, केस नंबर थ्री का ए बन गया, सही है भाई। अब उसके बाद व्हेन लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होता है, जब दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगा। एफ डबल बार इज इक्वल टू केस नंबर थ्री का बी, ये रहा केस नंबर वन का बी सॉरी वी माइनस वी नॉट ओवर वी, और केस नंबर टू का बी वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ, ये वाला वी और ये वाला वी कंबाइंड करने में क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा वी माइनस, वहाँ आ गया ऊपर की तरफ, उसके नीचे क्या है वी प्लस वी एस, वो वहाँ उसके नीचे आ गया इंटू एफ, हाँ एफ बार होगा, सही है, ये बात क्लियर है। अभी इस वाले फार्मूले को देखो, v प्लस वी नॉट है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो गया v माइनस, यहाँ पे v माइनस वी एस है, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसे आप इस फार्मूले को दिमाग में बैठा सकते हैं, इतना कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, हमेशा क्या मतलब याद रखने के लिए नहीं बोला जा रहा, बस एग्जाम दे दें उसके बाद पहले से भूल जाए, सही है ना, या अगर पढ़ाना है तो फिर दिमाग में रखिएगा पढ़ाने के लिए, तो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, सही है। तो दिस आर दी थ्री एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, थ्री स्पेशल केसेस। अगर हम ये कहते हैं कि अगर डॉपलर्स इफेक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, फर्ज कर लेते आप मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, कुछ भी ख़रीदा, उसमें लगा हुआ था टैग, लेकर आए काउंटर पर, काउंटर पर उसने मशीन के सामने आ गया किया, ठीक है ना, और उसमें सब आ जाए टिक, और उसका मुकम्मल बायोडाटा, उसके रेट, उसके डिटेल्स, कितना पड़ा हुआ है, कितना नहीं है, किस साइज़ में है, किस साइज़ में नहीं है, किस कलर का है, किस कलर का नहीं है, पूरा कंप्यूटर पे उसकी इंक्वायरी आ गई, डिटेल आ गई, तो एक्चुअली में किसको डिटेक्ट कर रहा है, जब आप, जब उसने आपके प्रोडक्ट को अपने कैमरे के सामने किया, तो वह एक्चुअली में उसके बार कोड को क्या कर रहा होता है, आपने बार कोड देखे होंगे, उसमें बहुत सारी लकीरें खींची हुई होती हैं करके, देखा है ना, इस तरीके से होता है उसमें बार कोड, देखा है, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, है ना, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दी रिस्पेक्टिव एरिया पर सेकंड, यही पढ़ते हैं ना। तो जैसे ही आपने आगे किया, वो उसके बार कोड को क्या करेगा, पढ़ेगा और पढ़ करके उसकी डिटेल को सामने कर देगा, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को रीड कर रहा है, तो इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है वहाँ पर, आई बात समझ में। इसी तरीके से जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं, तो हाईवे पे पैदल नहीं जाते, कैसे जाते हैं, व्हीकल पे, गाड़ियों पे जाते हैं, तो उसमें जगह जगह पर स्पॉट बनाया हुआ होता है और लिखा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, डू नॉट एक्सीड मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कराची के आवाम को तो सड़कें मिलती ही नहीं चलाने के लिए, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भी आगे जाएँ तो, मतलब अगर गुर्दे के अंदर पथरी हो तो उसको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बाहर आ जाएगा, सही है ना, इतनी ज़्यादा सड़कें ख़राब हैं। तो अगर हाईवे पे वो पब्लिक चले जाए, तो हाईवे पे स्मूथ रोड, अब वो कौन देखेगा 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जाना है,
हम लोग खुद अपनी भी बात करते हैं। अभी हम लोग हाल फिलहाल जो है वो बाय रोड जो है वो कुमराट गए थे, तो हमारा चालान हुआ था 1500 रुपये का। तो वो किस तरीके से होता है, 120 किलोमीटर पर आर से आपने स्पीड एक्सीड करवाई, स्पीड को ज़्यादा करवाया। अब उसके नतीजे में क्या होगा कि जैसी स्पीड 120 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा होगी, सामने स्पॉट है बिल्कुल जैसे चौड़ा रोड है, यहाँ पर इस तरीके से कोने में पोल गाड़ करके ऐसे बीच में बिल्कुल कैमरा ऐसे लटक रहा होता है, मतलब बड़े बड़े ट्रॉलर्स और इस तरीके की गाड़ियाँ जो गुजरती हैं वो गुजर सकती हैं, बिल्कुल इसके टॉप में बिल्कुल फ्रंट पे सामने कैमरा लगा हुआ है। तो आपकी स्पीड जैसे ही गई, ट्रांसमीटर रिसीवर्स लगे हुए, आपकी स्पीड को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके जो है वो वहाँ पे जो चेक पोस्ट है उसको पता लग गया कि इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा है। अभी आप आगे जा रहे, 6 घंटे का सफ़र है, ठीक है ना। अभी आप कौन सा मोटरवे है वो, मतलब मोटरवे में जब हम चल रहे होते हैं ना, तो आपकी गाड़ी लग रहा होता है कि आप गेम प्ले कर रहे हैं, आप बैठे में गाड़ी एक ही स्पीड से जा रही है, स्पीड इतनी ज़्यादा है कि एक्सीडेंट होगा तो बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन गाड़ी यूँ जा रही है फिर ऐसे, फिर यूँ जा रही है फिर ऐसे, इस तरीके से सड़कें बनी हुई हैं और 6 से 7 घंटे लगातार गाड़ी ऐसी चलेगी। तो जिसको चलाने की आदत नहीं होती वो अक्सर सो जाते हैं चलाते हुए। बाहर यूएई की तरफ और दुबई वगैरह में और इस तरह की कंट्री में अक्सर एक्सीडेंट इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि लंबे लंबे जो वो ड्राइव कर रहे होते हैं और बीच में ओंग आ जाती है, ओंग आने के नतीजे में गाड़ी, तो आप जा रहे हाई स्पीड से जा रहे हैं, आपकी जो तस्वीर वगैरह ले करके उसने आपकी स्पीड को कैलकुलेट करके सामने वाले बंदे को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जो वहाँ पर बैठा हुआ है। अब वो तो आप वहाँ से तो आगे निकल चुके हैं, लेकिन आगे एक और चेक पोस्ट है, वो वहाँ पे फ़ोन घुमा देगा, ये नंबर की गाड़ी आ रही है इसको रोक लेना, इसका चलान है 1500 रुपये का, इसको रोको साइड में चलान, तो आपको वो रोकेगा, रोकने के बाद आपसे चलान लेगा। क्या अप्लाई हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट, बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम स्टार्स की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, स्टार्स की लोकेशन और पोजीशन बताना चाहें, सिर्फ ये बताना चाहें करीब या दूर है ज़मीन से, तो सबसे पहले स्टार को देखने के लिए, साफ देखने के लिए आप ज़मीन की तरफ देखेंगे, आपको बहुत सारे सितारे नज़र आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे प्लैनेट भी नज़र आते हैं। अगर आप स्टार को देख रहे हैं और वो जगमगा रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो वो स्टार है। और अगर कंटिन्यूस इस तरीके से कंटिन्यूस बल्ब की तरह अगर वो जल रहा है, तो इसका मतलब वो प्लैनेट है। तो कभी गौर करके देखिएगा, स्टार्स में आपको एक ब्लिंकिंग जो होती है वो नज़र आएगी, और बहुत सारे इसी तरीके के आपके आसमान में लटके हुए बहुत सारे इस तरीके के जो है ना लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनकी लाइट कंटिन्यूस जल रही होती है, तो इसका मतलब वो स्टार नहीं, वो कोई एक प्लैनेट है। तो अगर आपने टेलीस्कोप से देखा स्टार्स को, और अगर टेलीस्कोप से देखने के बाद आपको ये पता लग रहा है कि वो वायलेट शिफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ब्लूइश कलर की तरफ जा रहा है वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और वो ज़मीन से करीब है, ज़मीन से क्या है, करीब है, क्योंकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, बताया ना मैंने कोई चीज़ करीब होती है तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लोग यही तो पढ़ लेते, वैन मूविंग टूवर्ड्स फ्रीक्वेंसी हाई, तो इसका मतलब वैन स्टार इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ देन इट शोज द वायलेट शिफ्ट विच मीन्स इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। तो आप ये भी बता सकते हैं कि स्टार ज़मीन से करीब है या दूर, किसकी एप्लीकेशन से, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन से। और वही स्टार अगर ज़मीन से दूर है, आप टेलीस्कोप से देखेंगे, तो वो कैसा शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, रेड शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। रेड शिफ्ट के माने क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। अब यहाँ पे ज़रा एक बात और समझ लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, वी आई बी जी वाई वाई ओ आर, ये कहलाता है पैटर्न विप ग्योर का, सही है। जो सबसे ऊपर है ये वाला नंबर वन पे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है कि नहीं, और इसकी वेव लेंथ सबसे कम, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसकी वेव लेंथ सबसे कम। रेड कलर में, रेड कलर में अगर हम ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ पे वायलेट कलर आया फर्स्ट पोजिशन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, सेकेंड पोजिशन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से इंडिगो, थर्ड पोजिशन ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, फोर्थ पोजीशन ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, इसी तरीके से लास्ट पोजीशन किसकी, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी के, तो इसका मतलब रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और इसी की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ
कि फर्स्ट पोजीशन कहाँ पर है, रेड पर। बात समझ में आ रही है? आप पूछ लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं येलो कलर की, पूछ लेते हैं आपसे, पूछ ले बताओ येलो कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरीके की होगी। तो आप अगर इसको बताएंगे तो फर्स्ट से फ्रॉम टॉप 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी पाँचवें नंबर पे होगा और वेवलेंथ पाँचवें नंबर पे कम होगा। नीचे से बताएंगे 1 2 3 तो येलो कलर की वेवलेंथ तीसरे नंबर पर होगा और फ्रीक्वेंसी तीसरे नंबर पे कम होगा। बात समझ में आई ना? तो आपको इस तरीके से ये बातें याद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको ये याद हो कि वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है, रेड की सबसे कम होती है, ये ज़रूरी नहीं है। ये पूरा पैटर्न आपको याद होना चाहिए। कोई सा भी पॉइंट यहाँ से एमसीक्यूज में उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्स की लोकेशन, स्टार्स की पोजिशन को बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। आप इसके एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू करेंगे, कहीं पर अगर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो वो भी आपसे हल हो जाएंगे। हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं डॉपलर इफेक्ट की। ये हमारे पास साउंड पोर्शन का इसका लास्ट टॉपिक था। अभी मैं इसका एक पोर्शन बाकी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिर मैं आ जाऊँगा सेकंड ईयर की तरफ, ठीक है ना? फिर उसके बाद एंड में जो जो चीज़ बाकी होंगी वो मैं आपको कवर अप करवा दूँगा। बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेव के हवाले से, वेव में हमने कौन कौन से पोर्शन देख लिए? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड, यानी कि वेव और साउंड देख लिया। एक पोर्शन बाकी रह गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बात क्लियर रही है? चलो भाई, इसको अगर कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 10, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जी सर।